आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष और हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले ललित मोदी का मुंह अब दौलत से भंग हो चुका है, इसलिए ललित मोदी ने ले लिया है एक बड़ा फैसला जिसके तहत वे अपनी सारी संपत्ति रुचिर मोदी के नाम सौंप रहे हैं। कितनी है ललित मोदी की संपत्ति, कौन है रुचिर और क्यों ललित मोदी अपनी करोड़ों की दौलत को छोड़ रहे हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। दरअसल हाल ही में ललित मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे अब रिटायर हो रहे हैं और अपने बेटे को सब कुछ सौंपना चाहते हैं। ये फैसला उन्होंने अपनी बेटी आलिया मोदी की रजामंदी के बाद लिया है। अचानक ये फैसला लेने के पीछे कारण है उनकी बीमारी। दरअसल ललित मोदी बीते 3 हफ्तों से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें कोरोना हो गया था, उसके बाद उनको इन्फ्लुएंजा और फिर निमोनिया भी हो गया, जिसके कारण ललित मोदी बेहद कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बावजूद इसके ललित मोदी ने अचानक से ये बड़ा फैसला लेते हुए रुचिर मोदी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। रुचिर मोदी ललित मोदी के बेटे हैं और इस फैसले के बाद रुचिर 4,555 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हो गए हैं। अचानक इस तरह से ललित मोदी के ऐलान करने से रुचिर मोदी भी अब काफी लाइमलाइट में आ चुके हैं। उनके नाम की अब काफी चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए आपको बता दें 28 साल के रुचिर मोदी इंटरप्राइजेज, गॉडफायर्स, फ्लिप्स इंडिया लिमिटेड, मोदी केयर और के मोदी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा रुचिर मोदी वेंचर्स के फाउंडर भी हैं। उनकी वेबसाइट में मौजूद जानकारी के मुताबिक वो कई प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं, जिसमें 24/7 कन्वीनियंट स्टोर्स और कलर बार कॉस्मेटिक ब्रांड जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जिसे वे इस समय लीड कर रहे हैं। रुचिर मोदी ने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। उन्हें भी अपने पिता की तरह क्रिकेट का काफ़ी शौक है और इसी कारण वे अलवर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें ललित मोदी ने लिखकर ये जानकारी भी दी है कि वे अब फैमिली ट्रस्ट की संपत्ति और कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो KKMFT में बने रहेंगे। यहाँ आपको बता दें ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़कर लंदन पहुंच गए थे क्योंकि उन पर IPL में धांधली के आरोप लगे थे। जानकारी के अनुसार IPL 2010 के बाद ललित मोदी पर पद का गैर जरूरी लाभ लेने, ऑक्शन में गड़बड़ी करने और IPL से जुड़े टेंडर में गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद BCCI ने आंतरिक जांच करी और ललित मोदी को बोर्ड से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उन पर BCCI ने प्रतिबंध भी लगा दिए थे जब IPL में गड़बड़ियों की बात सामने आई, जिसके बाद ED ने जांच शुरू की, लेकिन इस बीच ही ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन चले गए, तब से वे भारत नहीं लौटे। आज उनके पास अरबों की संपत्ति है। लंदन में आलिशान महल है जो 7,000 एकड़ में फैला है। उनके पास लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन भी मौजूद है। ललित मोदी का नेटवर्थ बताया जाता है करीब 12,000 करोड़ का, जिसमें से 4,500 करोड़ की उनकी संपत्ति जो उन्होंने अब अपनी बेटे को सौंप दी है।